नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेकर आए हुए हैं जिसे देखकर आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम एक झील के किनारे खड़े हुए हैं और दूर दूर तक आपकी जहां तक नज़र जा रही है वहां तक आपको ये झील ही नज़र आएगी। और ये झील जितनी खूबसूरत आपको दिख रही है उतनी ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस झील के अंदर आपको बहुत तरह के जानवर नज़र आएंगे और इस झील के अंदर आपको 12 किस्मों की मछलियां देखने को मिलती हैं। तो देख सकते हैं, और बगल में आपको ये जलकुंभी बड़ी बड़ी नज़र आएगी, लेकिन बीच में आपको काफ़ी सफा पानी नज़र आएगा। और अफसोस है कि यहाँ पे दो बोट झील के पास आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो प्राइवेट लोगों के लिए अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप के जो यहाँ के अधिकारी होते हैं वही लोग बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोटिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं समस्तपुर पक्षी विहार में, जो कि हमारे रायबरेली ज़िले की एक बहुत ही लोकप्रिय धरोहर है। और ये रायबरेली से करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है और ये सलवन तहसील से करीबन 8 किलोमीटर दूर। जब आप ऊंचाहार राजमार्ग की तरफ जाएंगे तब आपको ये लोकेशन देखने को मिलती है। और इतनी खूबसूरत तो है ही, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये समस्तपुर जो कि आपको बता दें कि पक्षियों के लिए, जीव जंतु के लिए और एक खूबसूरत वातावरण के लिए लोकप्रिय हमारे रायबरेली ज़िले के अंदर। इसकी स्थापना जो है वो 1987 में की गई थी। समस्तपुर पक्षी विहार के अंदर आपको एक छोटा सा म्यूजियम देखने को मिलता है, जहां पर आपको काफ़ी पक्षियों के ये चित्र नज़र आएंगे। इनके बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और बहुत सारी बुक्स आपको इनसे रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपको बता दें कि ये छोटा सा म्यूजियम पूरे समस्तपुर पक्षी विहार को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे आपको पूरे समस्तपुर पक्षी विहार का मैप भी देखने को मिलता है कि कितने एरिया में ये समस्तपुर पक्षी विहार कैसे बनाया गया था। और देख सकते हैं कि काफ़ी पक्षियों के डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और काफ़ी प्यारी जगह है रायबरेली के अंदर, लेकिन वही है कि ये शहर से इतनी दूर है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे आ भी चुके हैं घूमने के लिए। और वीडियो में चलते चलते आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अगर आप हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देख सकते हैं, ये समस्तपुर पक्षी विहार का एरिया है पूरा। आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि समस्तपुर पक्षी विहार जो है वो विसैया, ममुनी, गुड़वा, हसनपुर, हागगंज, रोहनिया, समस्तपुर नामक 7 झीलों के मिलने से इस विशाल अभयारण्य का निर्माण होता है। और इसके चारों तरफ आपको एक बड़ी सी झील नज़र आएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। और ये पूरा एरिया आपको 799 हेक्टेयर में फैला हुआ देखने को मिलेगा। और नवंबर से मार्च के महीने में प्रवासी पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां 5000 किलोमीटर दूर साइबेरिया एवं यूरोप से बड़ी संख्या में विचरण करने के लिए समस्तपुर पक्षी विहार आती हैं। और ये झील इतनी प्यारी आपको लग रही होगी। और यहाँ पे आपको बता दें कि पक्षियों को देखने, पिकनिक मनाने या शहर के कोलाहल से दूर एकांत में कुछ समय बिताने के लिए लोग यहां पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 25 लाख रुपए इस पर्यटन स्थल की देखभाल करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस समय तो इसकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। और वर्तमान में यहां पे पक्षियां भी आना कम हो गए हैं और पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा की संख्या में कुछ ही लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी देख भाल नहीं किया गया है। आपको दूर दूर पे काफ़ी आपको गंदगी नज़र आएगी। मेंटेनेंस फिलहाल इसका नहीं कराया जा रहा है, अब पता नहीं किस रीजन से, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर इसको और भी अच्छा बना दिया जाए तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आएँ। और यहाँ की रोड बहुत ही ख़राब है, आपको बता दें कि जब आप यहाँ पर आइए तो अपने साधन से ही आइए। और यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, आपका यहाँ पे 1 पर्सन का 30 रुपये का टिकट है और बाइक का 20 रुपये का शायद चार्जेस पड़ता है पार्किंग में खड़े करने के लिए। तो
अभी हम घूम लिए समस्तपुर पक्षी विहार और अभी हम इससे एग्जिट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और जब आप सलोन से ऊंचाहार की तरफ आएंगे तो आपको हाईवे, जो भी मेन हाईवे है, वहां से आपको 4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे 2-4 आपको गांव देखने को मिलते हैं। इसी रास्तों से गुजरकर आप समस्तपुर पक्षी विहार पहुंचते हैं।